क्लाइमेट एंड सॉइल। गुलाब पौधे को ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी मिट्टी उपजाऊ, अच्छे जल निकास वाली दोमट होनी चाहिए, जिसका पीएच 6 से 7.5 हो। प्रोपोगेशन, हाइब्रिड टी और फ्लोरिबुंडा गुलाब का प्रसार नवोदित और तने को काटकर किया जाता है। गुलाब इंडिका का उपयोग रूट स्टॉक के रूप में किया जाता है। उत्तर में नवोदित होने के लिए दिसंबर से फरवरी तक का समय सही होता है, जबकि नवंबर और जनवरी तक का समय पूर्व क्षेत्र के लिए अच्छा होता है और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए फरवरी से मार्च और अप्रैल अच्छा होता है। तेज हवाओं से बचाव करना जरूरी होता है। गुलाब बेड्स झाड़ियों और बाड़ों से दूर होना चाहिए। गुलाब बेड्स गहरी होनी चाहिए और गर्मी के दौरान मिट्टी सूरज के संपर्क में होना चाहिए, इससे वीड्स और कीड़े मर जाते हैं। मिट्टी को लेवलिंग करने के लिए 2 टन FYM और 2 किलोग्राम सुपरफॉस्फेट मिलाया जाता है और उसके बाद सिंचाई की जाती है। 60 सेंटीमीटर व्यास और गहरे गड्ढे बनाए जाते हैं। पिट्स को 30 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जा सकता है। रोपण से लगभग 7 दिन पहले प्रत्येक गड्ढे में 8 से 10 किलोग्राम गोबर और बोन मील या सुपरफॉस्फेट डाला जाता है।